दोस्तों नमस्कार, ओपी ऑनलाइन सर्विसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपके पास कोई कंपनी है, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो या एलएलपी हो, तो आप अपने कंपनी को एमसीए के पोर्टल में किस प्रकार रजिस्टर करेंगे, या आप कंपनी में पार्टनर हैं या डायरेक्टर हैं तो आप अपने आप को किस प्रकार से रजिस्टर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बाद ही हम कंपनी की सारी डिटेल फाइलिंग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, या अगर किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन आता है तो हमको आसानी से मिल जाता है। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि आप सीए से कंपनी रजिस्टर करा लेते हैं लेकिन आपको नोटिफिकेशन नहीं आता, तो बहुत सारी फाइलिंग मिस हो जाती है और आपको एक लंबी पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। तो इससे बचने के लिए आप अपने आप को एमसीए में रजिस्टर करिए, बीच बीच में आप लॉगिन करिए, चेक करते रहिए क्या आपके कंपनी में चल रहा है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें एंड लेट्स स्टार्ट। एमसीए के पोर्टल में रजिस्टर करने के लिए mca.gov.in इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे साइन इन और साइन अप का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से हमें नोटिफिकेशन आएगा कि अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप अपने बिजनेस डिटेल से यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। डायरेक्टर हैं, डिजिग्नेटेड पार्टनर हैं, तो आप अपना डिन या डी पिन यूज कर सकते हैं। अगर आप कंपनी एलएलपी यूजर हैं तो आप अपने कंपनी के डिटेल से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो इसको हम ओके कर देंगे। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यहाँ पे चार स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहले यूजर कैटेगरी आपको चूज करना होगा। तो यहाँ पे यूजर कैटेगरी में दो ऑप्शन दिए गए हैं, आप रजिस्टर्ड यूजर हैं या बिजनेस यूजर हैं। तो अभी हम बिजनेस यूजर में क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूजर रोल आपको चूज करना है कि आप क्या है, कंपनी एलएलपी, डायरेक्टर, मैनेजर, प्रोफेशनल, जो भी आप हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हमने यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट किया है तो कंपनी का पैन नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने कंपनी का पैन डाल दिया है, उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल में आपको कंपनी का सिन नंबर, एलएलपी नंबर, उसके बाद उसका नाम और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये थ्री इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देनी है। तो यहाँ पे हम कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक सर्च होगा और इस प्रकार से जो कंपनी रजिस्टर्ड होगी, आपका जो कंपनी का नेम होगा वो यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस दिन आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है वो डेट यहाँ पे आप डाल दीजिए इस प्रकार से। उसके बाद ये तीनों इंफॉर्मेशन डाल के हम नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज ये ध्यान रखना है, जो स्टार लगे हुए हैं वही डिटेल यहाँ पे मैंडेटरी है, बाकी यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। तो सबसे पहले हम अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, उसके बाद ईमेल आईडी डाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही हमने डिटेल ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आ गया जो भी हमारे पार्टनर हैं, तो एक आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमको पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड यहाँ पे देखिए मिनिमम 6 कैरेक्टर का और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर का होना चाहिए, एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर एंड अपर एंड लोअर यहाँ पे आपको दोनों लेना है। तो 6 कैरेक्टर का हम यहाँ पे बना लेते हैं। पासवर्ड को एक बार फिर से आप यहाँ पे रिपीट करेंगे वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद नीचे आपको हिंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप एक हिंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे और उसका यहाँ पे आंसर देंगे, जो कि आपको पासवर्ड रीसेट करने में हेल्प होगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा रहा है वेदर यू विश टू अवेल एसएमएस फैसिलिटी, यस नो में आपको रिप्लाई करना है, तो हम यस में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स कंडीशन दिया है जिसको आप एक्सेप्ट करेंगे, एक बार पढ़ लेंगे टर्म्स कंडीशन और ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट माई अकाउंट में आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से देखिए ओटीपी आपके मेल पे और मोबाइल दोनों जगह भेज दिया जाता है और यहाँ पे हम तीनों ओटीपी डाल के और फिर सबमिट करेंगे।
इस प्रकार से देखिए कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा, कंफर्मेशन आपके मेल पे भी भेज दिया जाएगा, ओके करेंगे। यहाँ पे हम अपनी कंपनी को सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कर चुके हैं, लॉगिन कर लेते हैं। इस प्रकार से ओटीपी हमारे मोबाइल में आ जाएगा, कंफर्म करेंगे। देखिए यहाँ पे आप अब अपने कंपनी की सारी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, पेंडिंग एक्शन हो गया, अंडर प्रोसेसिंग, अप्रूव्ड, तो जो भी फाइलिंग आपकी होंगी यहीं से आपकी फाइलिंग हो जाएंगी। और अगर आप किसी कंपनी का रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आपको लॉगिन करने की ज़रूरत होती है, तो आप लॉगिन करके उसकी डिटेल भी निकाल सकते हैं। तो होप अब आप अपनी कंपनी को आसानी से MCA के पोर्टल पर रजिस्टर कर पाएंगे। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो भी आप इसी तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है नीचे आप कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।